मैं नीरू जिंदल, श्री हरी क्रोचेट नीटिंग चैनल की तरफ से आप सब बहनों का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर प्लेट कवर, थाली कवर आपके लिए लेकर आई हूँ। इसे बनाना भी बहुत आसान है, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए, आप इसको, मैंने इसको बनाने के लिए ये 3 प्लाई की वूल आती है मार्केट में, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। ये 2 कलर की वूल ली है और ये मैंने 7 नंबर का क्रोशिया लिया है। देखिए, ये बनाना बहुत ही आसान है। हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो घंटी का बटन पास आता है उसे ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, इसके लिए मैंने ये 2 कलर की 3 प्लाई की वूल ली है। ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और ये मैंने 7 नंबर की हुक ली है। सबसे पहले 8 चैने डाल के इसका राउंड बना लें। अब इसके अंदर हमने पफ बनानी है। ये थोड़ी सी पतली वूल है इसलिए इसके 5 बार मैं बल लूँगी इसका, और उसके बाद 2 चैने डाल के इसके अंदर 12 बार हमने पफ बनाना है। देखिए, इसी तरह ये 12 बार पफ बनाना है, बीच में 2-2 चैने डालते जाएं और पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लें। देखिए, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड है, इसके लिए मैंने नेक्स्ट कलर लगा लिया है। इसको यहाँ पे चाहे तो भी इसे कट भी कर सकते हैं। इसको यहां से पहले हमने 2 चैन डाली थी यहाँ पे, इसके अंदर अब हमने 3 चैन डालनी है और उसी तरह से इसके अंदर एक एक पफ बनाते चले जाएं। 5-5 बार आप इसको धागे को लेते जाएं। देखिए, जो हमने ये 2-2 चैन डाली थी उसके अंदर बनाना है।
तीन तीन चैन डाल के इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लें आप। देखिए इस तरह से ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। बोली ना, देखिए हमारा राउंड यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसको यहाँ पे चले जाएं। चाहे तो आप इसे तोड़कर भी लगा सकती हैं। अब इसके अंदर दो चैने डालकर और सेम जगह पे ही एक पफ बनाना है। और फिर से दो चैन डालनी है और नेक्स्ट वाले इस चैन में चले जाना है और इसमें भी दो पफ बनाने हैं। दो चैन डाल के नेक्स्ट चले जाना है। इसी तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। पहले हम सिंगल सिंगल पफ डालते थे, अब हमने डबल डबल पफ डालने हैं और इसके अंदर दो चैन डाल के फिर नेक्स्ट दो चैन डाल के फिर नेक्स्ट वाले होल में चले जाना है और दो पफ बनाने हैं। इसी तरह से हमने ये अपना थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए इसको यहाँ पे पीछे हमने वाइट को छोड़ा है। सबसे पहले एक चैन डाल के इसको खींच लें और पफ बना लें इसके अंदर। एक दो तीन चैने डालनी है और फिर यहाँ पे तीन चैने डालने के बाद हर एक के ऊपर जो जो हमने तीन तीन चैने डाली हैं सभी के ऊपर बनाते चले जाना है। देखिए ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसको यहाँ पे चले जाएं और स्लिम स्टिच कर दें। अब यहाँ पे इस धागे को लगा लें। सबसे पहले एक चैन डाल के इसको खींच लें। अब यहाँ पे पफ बनाना है। अब यहाँ पे चार चैन डालनी हमने और इसी तरह से जितने भी ये हमारे होल हैं सभी के अंदर हमने पफ बनाना है। थोड़े से इसके हमने लंबे बनाने हैं पफ।
इसमें चार चार चैने डालते जाएं और सभी के अंदर इसको इसी तरह से बनाते जाएं और राउंड को कंप्लीट कर लें। देखिए ये राउंड यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसको यहाँ पे कट कर देंगे। व्हाइट राउंड से बनाना है हमने। दो चैन डाल के इसी के अंदर एक बार पफ और बनाना है। अब दो चैन फिर से देखिए। अब हर एक होल में दो दो पफ बनाते चले जाएं। और दो चैने डालनी है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट में दो चैने डालकर फिर अगले होल में फिर से हमने यहाँ पे दो पफ बनाने हैं। दो चैने डाल के यहीं पे सेम जगह पे फिर से एक पफ बनाना है। कि इस तरह से दो दो पफ बनाते चले जाएं और पूरा राउंड कंप्लीट कर लें। देखिए ये हमारा राउंड पूरा हो गया है। अब यहाँ पे चले जाएं स्लिम स्टिच से एक चैन डाल के इसी के अंदर दो बार पफ बनाना है। दो चैन डाल के फिर यहीं सेम जगह पे देखिए पहले हमने यहाँ पे दो चैन डाली थी आगे वाले पफ की तरफ जाने के लिए। अब हमने तीन चैन डालनी है। एक एक चैन को बढ़ाते जाना है। यहाँ इसके अंदर दो चैन ही डालनी हमने। इसके अंदर हमने दो चैन ही डालनी है। जब इस यहाँ पे पहले दो डाली थी, अब हमने तीन डालनी है। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह से हमने यहाँ पे दो बढ़ाई, फिर तीन, फिर चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ चैनों तक बढ़ाते हुए हमने ये राउंड लगाने हैं। जैसे दो डाली, तीन डाली, चार, पाँच, छः, सात, आठ तक जितने भी राउंड पड़ेंगे आठ चैन बढ़ाने तक, आप उतने राउंड इस पर लगा लें। सात राउंड बन जाएंगे हमारे। एक, दो,
पांच राउंड और बन जाएंगे। इस तरह से आप पूरे राउंड एक एक चैन यहाँ पे बढ़ाते हुए लगा लें। देखिए हमारे यहाँ पे सात राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, देखिए इसको यहाँ से उठाना है, यहाँ से यहीं से देखिए इसका पफ बना लेना है। एक चैन डाल के अब इसको यहां से अब यहां से एक चैन डाल के इसको देखिए यहाँ से इसके दो पफ बनाए हैं, इसके सेंटर से हुक को डाल के इसको यहीं से उसी होल में से हमने पफ बनाते चले जाना है। इसी तरह से इसको यहाँ तक कर लें। देखिए अब इसको यहाँ पे यहाँ पे हाफ क्रोशिया करके पफ बनाना है। देखिए यहाँ पे पफ बना के इसके ऊपर और पफ बनाना है। अब इसके ऊपर एक और बनाना है। इस तरह से तीन पफ लगातार बनाने के बाद यहाँ पे स्लिम स्टिच कर दें इसको इस तरह से। अब पांच चैन डाल लें, दो तीन चार पांच, यहाँ पे दो तीन चार पांच, आगे नेक्स्ट पांच चैन बना के इसको यहाँ पे हाफ क्रोशिया कर दें, एक दो तीन चार। अब चार चैन डालनी है, देखिए यहाँ पे अब पहले हमने
इसको ऊपर लेके गए थे, अब हमने इसको नीचे लेके जाना है। देखिए यहाँ पे हुक डाल के हाफ क्रोशिया करना है, चार चार चेने डालते हुए, ये दोनों के सेंटर में से हुक को निकालना है। देखिए इस तरह से अब इसको यहाँ पे निकाल लें। देखिए अब इसको एक चैन डाल के यहीं पे पफ बना लें, यहीं पे। एक चैन डाल के और फिर यहाँ पे, यहाँ जहाँ पे जब हमने ये लिए हैं इस, इनके ऊपर पफ बनाते जाएं। एक चैन डाल के इसको देखिए इसी तरह से दबाकर पकड़े रखें और यहीं से निकालना, सेम जगह से बिना बल लिए। पहले तो इसका दो का एक कर दें, फिर सीधा ही इसको बस खींच लें और सेम जगह से ही एक चैन डाल के देखिए इसी तरह ये बनता जाएगा हमारा। ये वाला राउंड हमने इसलिए दिया कि ताकि हमें धागे को बार बार कट ना करना पड़े। देखिए ये पफ, जितने हमारे वाइट वाले पफ बनाए हैं हमने, उतनी ही इनकी लंबाई करनी है। इनको ज़्यादा लंबे या छोटे नहीं करने, ताकि हमारा अगर छोटे करेंगे तो हमारा ये खिंच से जाएगा। देखिए अब हमने यहाँ पे जो चैन डालते हैं यहाँ पे डालनी है। देखिए इस तरह से ये हमारा सारा बनता जाएगा और ये इस तरह से हमारे घूमते जाएंगे। अब यहाँ पे ही पफ बना लें, इसको यहाँ पे ले जाके तीन पफ इकट्ठे एक लाइन में बनानी है। इसके अंदर कोई चैन नहीं डालनी, इसको लॉक करने के बाद बस सीधा खींच के
अब इसको यहाँ पे स्लिम स्टिच कर दें। इस तरह से ये हमारा बनता जाएगा। और फिर पांच चैन डाल के यहाँ पे हाफ क्रोशिया कर लें, पांच चैन डाल के यहाँ पे अब एक दो तीन चार, चार चैन डाल के इस तरफ घूमते जाएं। अगर आपको ऐसे नहीं पता लगता तो ऐसे आप खोल के भी इसको कर सकते हैं, इस तरह से बाद में इसको फोल्ड कर लें। जैसे आपको आसानी हो आप वैसे ही बना सकते हैं। देखिए इसको इस तरह से यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से हमारे जाते जाएंगे। यहीं से आप पफ बनाना स्टार्ट कर दें। एक चैन डाल के देखिए, इसके ऊपर नहीं बनाना है, चैन के नीचे इसको यहाँ से, यहाँ से हमने इसका हाफ क्रोशिया किया था, इसको आप ऐसे ही पकड़ के, दबा के पकड़ कर बनाते जाएं। सबसे पहले दो का एक कर लें, फिर थोड़े से इसको खींच के बस पफ बनाना स्टार्ट कर लें। इस तरह से आप इसका सारा राउंड इसी तरह से आप कंप्लीट कर लें इसको। अगर आपने इसे को थोड़ा सा और बड़ा करना है तो आप इसके दो तीन राउंड और भी लगा सकते हैं, और इसके अंदर इसी तरह से एक एक चैन आप बढ़ाते जाएं। देखिए इसके अंदर कोई भी झोल नहीं पड़ना चाहिए, ये मेरा बिल्कुल फ्लैट है। देखिए ये हमारा प्लेट कवर बनकर तैयार हो गए हैं। ये अपने मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है, ये इस तरह से बन गया है। ये एक नॉर्मल थाली का मैंने साइज लिया था, नॉर्मल थाली के लिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं, इसके मैंने बताया था इसके आप एक एक चैन बढ़ाते जाएं, तीन चार राउंड और भी लगा सकते हैं, इससे ये बड़ा हो जाएगा। ये मैंने नॉर्मल थाली का साइज लिया है। देखिए अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो पास घंटी का बटन आता है उसे ज़रूर दबाएं, और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे बनाने का ढंग कैसा लगता है आपको। अगर आपने भी कोई मुझे सुझाव देना हो तो आप प्लीज़ उस कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। थैंक यू।